हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए ऑनबोर्डिंग की अपडेट रिगार्डिंग न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि कुछ कंपनियां के ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई थी, तो मैंने सोचा गाइस आपको एज अ वीडियो के थ्रू तो शेयर कर दूँ। तो बात करते हैं इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री और डेलॉयटी, और हो गया हमारा विप्रो हो गया। और एक सबसे ज़्यादा सैड न्यूज़ है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं गाइस, आप लोगों के लिए बहुत ही गंदी न्यूज़ है, देना नहीं चाहता, तो मैं सोचा कि बता दूं आपको एज ए वीडियो के थ्रू। मैंने और भी वीडियो डाले हुए हैं, तो चलिए चलते पहले सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार गाइस, उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो चलते हैं इन्फोसिस अगेन सेंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंडेड। देखो इन्फोसिस ने रिसेंटली में मार्च में एक ऑफर लेटर भेजे थे कि वो आपकी ऑनबोर्डिंग है जो कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि वो शेयर करेगी, जो कि फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी, ठीक है, मेल में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग की एक्सटेंडेड कर दी गई है। इन्फोसिस ने भी रिसेंटली में आया है कि वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो कि 2 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे की तरफ और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बात थी इन्फोसिस से रिगार्डिंग कि इन्फोसिस अब दोबारा से एक्सटेंडेड करता जा रहा है ऑनबोर्डिंग। पहले मार्च में ज्वाइनिंग की थी, फिर उसके पहले बोले थे अप्रैल सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, काफ़ी बेंच पर स्टूडेंट थे उनको निकाल दिया गया था, ले ऑफ कर दिया गया था, टर्मिनेशन लेटर भी आने लगे थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन नहीं हो पा रहा था, काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस दे रही थी इन्फोसिस तो ऑनबोर्डिंग करती जा रही है। अगर उनको नहीं करना है ऑनबोर्डिंग तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी कि स्टूडेंट जितने फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं वो और भी कंपनियों में अप्लाई कर सके, उसके भरोसे तो नहीं बैठे क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल चुका है 4-5-6 महीने पहले, 1 साल से बैठे हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इन्फोसिस, विप्रो सेंड मेल टू बिल्प कैंडिडेट फॉर अ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। विप्रो ने जो कि बिल्प के कैंडिडेट हैं, जो बिल्प की ज्वाइनिंग कंटिन्यूसली चल रही है, जो कि कुछ कुछ हफ्ते में बीच में फेजेस में बिल्प की ज्वाइनिंग चल रही है, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए मेल भेजा हुआ है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है जो कि कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और विप्रो का एक मेल भी और आया हुआ है काफ़ी लोगों के पास में, लाइट फेस के 2 कैंडिडेट के पास में, कि जैसे ही उनके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम आपके ऑनबोर्डिंग करेंगे, लाइट की जैसे ही हमारे पास कुछ रोल आता है, तो ये बोला गया है। तो मेल के कैंडिडेट के पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल आए हैं, तो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं LTI माइंडट्री। माइंडट्री आर गोइंग टू प्लान नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। माइंडट्री ने क्या किया था, चूँकि ये ऑफर लेटर्स थे दिसंबर के टाइम पे दे दिए गए थे, फिर उन्होंने बोला था ये ऑनबोर्डिंग करेगी उनके फेब में करेगी, फिर मार्च में एक्सटेंड करती गई ऑनबोर्डिंग, फिर बोला अप्रैल सेशन में करेगी। तो जितने भी ट्रेनिंग के सेशन थे काफ़ी लोगों ने देखा कि उन्होंने ऑफर लेटर को रिवोक कर दिया है और कैंसिल कर दिया था, LOI लेटर ऑफ इंटेंट थे जो कि कैंसिल कर दिए, और उन्होंने बोला कि नई फेज़ में जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और जो कि नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो प्लान कर रहे हैं कि वो एक दो महीने के अंदर नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और नए ऑफर लेटर के साथ में जिसके कैंडिडेट का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं Deloitte मास हायरिंग कर रही है फ्रेशर के लिए, 2023 ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी काफ़ी क्राउड मास हायरिंग कर रही है Deloitte कंपनी अपनी फ्रेशर के लिए, जो कि 2023 ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लाउड की हो गए हैं, वो हो गए हैं। तो ये देखिए गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितनी कंपनी मतलब क्लाउड Deloitte है जो कि हायरिंग कर रही है फ्रेशर्स के लिए अलग अलग रोल के लिए, जो Deloitte है हायर कर रही है। जैसे कि देखिए 3 अभी रिसेंटली में उन्होंने प्रोफाइल के लिए जॉब लोकेशन के साथ में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए निकाला है। तो Deloitte रिक्रूटमेंट 2023 कंपनी Deloitte डेटा रिव्यू एनालिस्ट है, अप टू 9 LPA है, 0 to 2 years है, एक्सपीरियंस अक्रॉस इंडिया एज सुन एज पॉसिबल, मतलब इसकी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये भी निकाली है उन्होंने रिसेंटली में, और भी जैसे अपॉर्चुनिटी निकाली डेटा रिव्यू एनालिस्ट के बाद में उन्होंने एक और जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली है, जैसे कि देखा जाए आप लोगों के लिए Deloitte ने निकाला कॉपी राइटर का है, 11 LPA है, 0 to 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, NUH की करेंट डेट है, बेंगलोर लोकेशन है, इसका भी लास्ट डेट है एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है, ठीक है गाइज। ये अब तीसरी जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे Deloitte ने निकाली है वो भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि फ्रेशर अगर कैंडिडेट हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। SQL डेवलपर आप लोग अगर SQL की तरफ जाते हैं SQL की तरफ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, up to 5 LPA है, 0 to 2 year है, हैदराबाद लोकेशन है, लास्ट डेट अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, जो भी कर सकते हैं आप लोग तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस जो कि मैं बैड न्यूज़ देने वाला था आप लोग के लिए, तो इन्फॉर्मेशन ये है जो कि मेटा हमारी जो कि फेसबुक के ऑनर है उन्होंने सेकेंड राउंड ले ऑफ का स्टार्ट कर दिया है, जो कि फर्स्ट ले ऑफ हुआ था हमारा नवंबर में, जो कि 11,000 एम्प्लॉई को मेटा ने निकाल दिया था, जितने भी एम्प्लॉयर थे वहाँ वर्क कर रहे थे, ले ऑफ था, कंडीशन रिसेशन की चल रही थी, काफ़ी सारे मून लाइटिंग की वजह से निकाले थे, काफ़ी सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के, पर फेसबुक ने दोबारा से कंडीशन अप्लाई कर दी, सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया, जो कि 10,000 एम्प्लॉयर हैं उनको कंपनी से निकाल दिया गया है। तो बहुत ही गंदी न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट अदर कंपनियों के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे जब ये ले ऑफ हुआ था फर्स्ट सेशन में तो
अमेज़ॉन हो गई हमारी, माइक्रोसॉफ्ट हो गई हमारी, ट्विटर हो गई हमारी, अदर कंपनियाज हो गई हैं, उनने भी ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया था उसी के टाइम की बात है। तो अभी सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है अप्रैल का, अप्रैल में ज्वाइनिंग हो रही थी काफ़ी सारी कंपनियों की, कुछ ऑनबोर्डिंग न्यूज़ आ रही थी, कुछ के ज्वाइनिंग डेट आ रही थी, डिले हो रहा था ऑनबोर्डिंग पर, मैसेजेस आ रहे थे, मेल आ रहे थे, पर फेसबुक ने ये जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है देखा जाए एम्प्लॉयर की तरफ, बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं, 10,000 के एम्प्लॉयर हैं। देखिए फेसबुक ओनर मेटा है स्टार्ट इन नोटिफाइंग स्टाफ लूजिंग जॉब इन वेव 10,000 जॉब कट इन सोशल मीडिया कंपनी अनाउंस लास्ट मंथ। ठीक है, इट हैज़ ऑलरेडी लेट गो 13% ऑफ स्टाफ रफली 11,000 पीपल लास्ट ईयर। अब 10,000 लोग और कट हो जाएंगे जॉब से, जो कि बहुत ही गंदी न्यूज़ है आप लोगों के लिए देखा जाए तो। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय इंडियन भी थे, काफ़ी सारे एम्प्लॉय एशिया से वर्क करते थे, तो बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। वर्क फ्रॉम होम लोकेशन थी, मून लाइटिंग की वजह से निकाला गया था, पर बोल रहे हैं कि कंपनी के पास टर्नओवर में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फेस कर रही है कंपनियां, तो इस वजह से ले ऑफ की जो सिचुएशंस है कंटिन्यूसली बनी हुई है। तो गाइस 13% वर्क फोर्स कंपनी सेटिंग 1,000 एम्प्लॉय आफ्टर पैंडमिक लैंड बूम डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है गाइस। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी गाइस तो मैं शेयर करूँगा। तो मेरा इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जवान जय किसान।